नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज। इस वक्त की खबर प्रयागराज के कौंधियारा से। मंथन फाउंडेशन एवं वीवा पैड द्वारा महिलाओं को जागरूक कर सम्मानित किया। जी हां, आपको बता दें, विकासखंड कौंधियारा के अंतर्गत ग्राम सभा कर्मा बाजार में मंथन फाउंडेशन व वीवा पैड के संस्था के माध्यम से महिलाओं को जागरूक किया जाता है तथा महिलाओं को गिफ्ट से सम्मानित किया गया। लगन व मेहनत से संस्था में काम करने वालों को मिला बड़ा गिफ्ट तथा वीवा पैड के बारे में जागरूक किया गया और बताया गया कि ग्राम सभा के में जाकर महिलाओं को जागरूक करने का प्रयास किया जाता है और महिलाओं को वीवा पैड द्वारा रोजगार भी मिलता है। आपको बता दें, एक नेटवर्किंग कंपनी द्वारा महिलाओं को इनकम के हिसाब से खाते में पैसा भी मिलता है। जी हाँ, समस्त गाँवों में जाकर महिलाओं को जागरूक करके वीवा पैड के बारे में जानकारी दिया गया कि वीवा पैड अन्य पैड से काफी अच्छा है और महिलाओं को होने वाली महावारी बीमारियों से बचाता है। मंथन फाउंडेशन व वीवा पैड के संस्था के समस्त लोग बी के सिंह, प्रभात कुमार, प्रवीण कुमार, स्मिता पटेल, अनीता देवी, सुशीला, नेहा, निर्जला, ज्ञानती, सुष्मिता, समस्त लोगों द्वारा वीवा पैड संस्था का प्रचार प्रसार किया जाता है। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज से रिपोर्टर गौरी शंकर बिंद की रिपोर्ट। मैं अपने मंथन संस्था के तरफ से महिलाओं को सबसे पहले, जो हमारे गांव की ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं, जो वो कोई जानकारियां नहीं ले पाती हैं, हम लोग गांव-गांव जाकर अपने मंथन फाउंडेशन सैनिटरी नैप के बारे में बताते हैं और उस पैड से उनको क्या नुकसान है और क्या लाभ है उसके बारे में बताते हैं। आपका परिचय? समृता पटेल, हरिहरपुर सुल्तान। फाउंडेशन की तरफ से महिलाओं को जागरूक किया गया है और किस तरीके से यह कंपनी काम करती है, क्या है इसका मुख्य उद्देश्य? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि मंथन फाउंडेशन कोई कंपनी नहीं है। बहुत लोगों के मन में कोई ये धारणा है कि एज अ डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की प्रोडक्ट बेचने के लिए मार्केट में आई हुई है और प्रोडक्ट को बेच रही है मार्केट में। नहीं, संस्था कोई प्रोडक्ट बेच नहीं रही है। संस्था एक संस्था के तरीके से कार्य को कर रही है। संस्था ग्रामीण क्षेत्र में जितनी भी हमारी माताएं और बहनें हैं, महिलाएं हैं, जो कि सैनिटरी नैपकिन के बारे में या महावारी के बारे में नहीं जानती हैं, उनको जागरूक करती है और उनको बताती है। संस्था ने भी एक 100% बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट बनाया है, सैनिटरी पैड बनाया हुआ है, जिससे कि महिलाएं संस्था से डायरेक्ट पैड को लेके इस्तेमाल करके उसकी गुणवत्ता के बारे में जान सकती है। और संस्था के माध्यम से महिलाओं को ये भी बताया जाता है कि पीरियड के दौरान में किन किन दिक्कतों से वो सामना करती हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। अभी तक किन किन क्षेत्रों में काम कर रहा है आपका यह संस्था? संस्था हमारी अभी संस्था को क्षेत्र में काम, जैसे मिर्जापुर हो गया, चित्रकूट हो गया, अपना कर्मा बाजार और चाका ब्लॉक तो हो ही गया प्रयागराज में, अधिकतर जगहों पे हमारी संस्था कार्य कर रही है और प्रयागराज से अब धीरे धीरे हम लोग आगे भी बढ़ रहे हैं।